जो राज्य है वो हमें नजर आए इन आंकड़ों में, सबसे पहला पश्चिम बंगाल, जिन्होंने सबसे ज्यादा 77% के आसपास वोटिंग यहाँ पर कास्ट हुआ है, और वहीं उम्मीदों से परे बिहार में सबसे कम मतदान 43% ओनली। ये दोनों क्या क्या साबित कर रहे हैं, मतलब ये जो आंकड़े हैं दोनों राज्यों से? बहुत खास मैसेज है ये। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर बम, गोला, बारूद, गोली, बंदूक नहीं चला तो इसका मतलब है कि अब की बार किसी वोटर को धमकी नहीं मिली है कि वोट देने जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे। समीकरण ये वोटर नहीं, मैं समीकरण की बात कर रहा हूँ, ये वोटर निर्भय होकर के निकले हैं, पहली चीज मैं आपको बता दूं। और निर्भय होकर जो वोटर निकले हैं तो ये वही वोटर है जो डर के मारे, जो रनिंग जो गवर्नमेंट है, जिनको डरा के दबका दुबका करके बम गोली चला करके इनके कार्यकर्ता टीएमसी के इनको डरा के रखते थे। ऐसे ही बिहार को मैं आपको बताऊं, बिहार में भी जब बहुत हैवी वोटिंग होती थी ना, तो इसका मतलब है कि जो वहां के लोकल दल वगैरह आरजेडी होते थे उनके कार्यकर्ता जब जब सुपर सुपर एक्टिव रहे हैं, हॉकी लेके, बंदूक लेके, ये लेकर के डरा के धमका के, तब तब आप उठा करके देख लीजिए कि वो सुपर एक्टिव उनके जो कार्यकर्ता है बंपर वोटिंग वहां पे हुई है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से, यहां पे वो बंपर वोटिंग ये लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। ठीक है, एके जी, संवाददाता से पहले क्या कह रहे हैं, हरिद्वार से जुड़ गए हमारे साथ, आपको आवाज आ रही है संजय मेरी, हरिद्वार में कितने परसेंट वोटिंग रही है और लोगों का मूड कैसा रहा है पहले चरण के मतदान में? देखिए, आज उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर चुनाव था और हरिद्वार एक ऐसी सीट है, होस्ट सीट हरिद्वार को कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की जो फाइट है वो बराबर रही है और लोग भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहा है, कुल परसेंटेज 59% हरिद्वार का रहा है, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है कि लोग काफी उत्साहित है, खासकर वो युवा जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सभी लोगों ने मतदान में अपना बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से हरिद्वार प्रशासन ने अपील भी की थी, उसके साथ ही साथ जो स्वीप आइकन थे वो भी लगातार हरिद्वार में काम कर रहे थे, कई महीनों पहले से ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जब अपने मत का प्रयोग किया तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सबसे पहले अपने मत का दान करें उसके बाद जलपान करें। यानी कह सकते हैं कि जो पहले मतदान उसके बाद जलपान, बड़ा मैसेज रहा ये। बाकी कोई बड़ी अपडेट होगी तो आप जरूर बताइएगा। जसबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसबीर आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? चलिए, आपसे संवाद करने की हम वापस कोशिश करेंगे। एके जी, एक तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपने बोल दिया, गोला बारूद हमेशा वहां ऐसा नहीं होता, गोला बारूद यही चलता रहा, बिहार में क्यों कम गया? मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बिना हिंसा के कितनी बार चुनाव हुए हैं। अब की बार हिंसा न हो इसके लिए विशेष प्रयोग और व्यवस्था की गई है। राज्य की सरकार को कोई क्रेडिट नहीं देंगे आप? नहीं, राज्य की सरकार, जो हिंसा ना हो इसके लिए केंद्रीय बल, केंद्रीय सरकार, चुनाव आयोग, राज्य की सरकार का कोई रोल नहीं? नहीं, राज्य की सरकार में आप छोड़ दीजिए, राज्य सरकार के हाथ में अभी देखिए कल क्या होता है, राज्य की सरकार का कोई रोल नहीं? नहीं, सारे के सारे ईवीएम बदल जाएंगे, बम गोली बंदूक चलने लगेगा। आप अपने जिम्मेदारी पे ट्रायल करना चाहती हो तो कर ले। हाँ। हमने 2500 साल का इतिहास देखा है। हाँ। अभी नहीं, 30 साल से जब वहां पे मार्क्सवादी पार्टी रही है तो हिंसा, बम गोली ये सब जब चलता है तब ये माना जाएगा उनके। बिहार में भी यही कंडीशन है, जब वहां पे शासन व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन कमजोर होता है तो जितने वहां के नेता हैं, बाहुबली हैं, वो कैसे भी करके लोगों को निकालते हैं या मतदान का परसेंटेज आपको ज्यादा जाता है। ये जो भी निकले हैं ये प्योर वोटर निकले हैं, 43% बिहार से। नहीं नहीं, 43% बिहार का मतलब मैं तो बोलता हूँ 25% भी अगर होगा तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी ना। नहीं नहीं, सरकार बनेगी वो अलग बात है, मतदाता क्यों इससे हतोत्साहित है कि वो वोट करने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे? बिहार जैसे राज्य में वोट देने के लिए लोग सुबह सुबह रुक जाइए, सत्तू खा रुक जाइए। मैं आपको बताती हूँ, सत्तू खा के घर से निकलकर वोट करके आने वाले लोग हैं। इस बार अगर 43% अगर से वोटिंग परसेंटेज है तो बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज है तो उसका रीजन बता देता हूँ ना, बंगाल और बिहार में किसके मतदाता ज्यादा रहे हैं, किसकी लहर चली है, आरजेडी की चली है, टीएमसी की चली है, तो भीड़ तो वही इकट्ठा करते हैं ना, तो उनसे पूछिए आरजेडी और टीएमसी के यहाँ मंथन हो रहा होगा कि उनकी भीड़ क्यों नहीं निकली।
उनकी भीड़ क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं निकली कि सात चरण में जो करवाया गया जिसके ऊपर ममता दीदी और विपक्ष कर रही थी, वो इसी चीज के लिए सात चरण में इतना लंबा चुनाव 4 महीने का करवाया गया, मुकेश त्यागी जी, ताकि मैनेज हो सके और कोई भी आदमी